नमस्कार आईना कार्यक्रम को आपमनकु स्वागत करछि जयश्री सहरर टिकटिक खबर घटना दुर्घटना राजनीति श्रीमंदिरर नीतिकांति एवं पाणिपक विषय रे संपूर्ण खबर गुरे आमर प्रस्तुति विस्तृत खबर पूर्वरु चालंतु नजर पकाइबा आजर मुख्य खबर उपरे आजर मुख्यांशरे तैल रंधन ग्यास दर वृद्धि और कृषि आईन बातिल दाबी रे पुरी रे भारत बंद डाकरा सरकारी कार्यालय स्कूल कॉलेज और बैंक कारोबार ठप गांधी जी को पुरी आगमन शतवार्षिकी पालित विभिन्न कार्यक्रम रे शामिल हेले सबु वर्गर व्यक्ति विशेष आगको पिपिली उपनिर्वाचन प्रथम दिवस रे प्रार्थी पत्र दाखल कले बीजेपी प्रार्थी आशीष एवं एथिसह अन्यान्य खबर तैल और रंधन ग्यास दर वृद्धि और तीनोटि कला कृषि आईन बातिल दाबी रे पुरी रे भारत बंद मोदी सरकार को तीनोटि कला कृषि आईन प्रत्याहार पई आज 120 दिन धरी दिल्ली रे चासी माने धारणा रे बसी छंती 274 जन चासी बलिदान देलेनी तथापि मोदी घरै मंडी और ठिका चाष आईन बातिल कले नाही अदानी और अंबानी भली बड़ बड़ कंपनी सेमानंको पई चाष टेकी देले अत्यावश्यक द्रव्य आईन संशोधन करी जिनिष पत्र दर निर्धारण क्षमता व्यवसायी को हाथ रे टेकी देले खाउटी हंतसंत हेबे लोकंको हाथ रे काम कोविड रे 45 कोटी बेरोजगार हेले सेपटे मोदी सरकार पेट्रोल डीजेल रंधन ग्यास दर अहेतुक वृद्धि होईछे 2014 रे मोदी क्षमता को आसीबा पूर्वरु अंतर्जातीय बाजार रे ब्यारेल पिछा $110 थिला आम देश रे पेट्रोल 61 टंका थिला आजिका दिन रे ब्यारेल पिछा $60 अछि किंतु पेट्रोल 91 डीजेल 86 टंका केंद्र सरकार तळे उपरे उत्पाद शुल्क लीटर को 31 टंका नेबा और राज्य सरकार भाट 27 टंका नेबा जोगु तळ दर बढुछि आम देश रे एक देश एक टिकस लागू होईछि अथच तळ दर रे मोदी सरकार जीएसटी लागू कलेनी अंतर्जातिक बाजार रे तेल दर को भित्ति करी सेथिरे 28% जदि जीएसटी लागू हुए तेबे आम देश रे 42 टंका रे पेट्रोल डीजेल मिलिबो ग्यास दर 400 टंका रु आजि 820 टंका करी मोदी लोकंक पॉकेट काटुछंती तेल दर बढ़िबारु जिनिष पत्र दर हु होई बढ़ुछि लोके हंतसंत हेउछंती श्रम आईन बदलै चारोटी कोड कले श्रमिक निज अधिकार हरेबे रेल बंदर बैंक बीमा खणी पानी सबु मुष्टिमेय लोकंक हाथ को चली जीव एहाकु विरोध करी संयुक्त किसान मोर्चा डाकरारे पुरी रे श्रमिक कृषक मानक बंद को समर्थन करी ऑफिस कचेरी पाखरे पिकेटिंग करथिले बंद जोगु विचारपति माने फेरिथिले ओ ऑफिस सबु बंद रहिथिला बैंक बीमा बंद थिला एथिरे वामपंथी दलर नेतृत्व शरद कुमार रायगुरु जगन्नाथ देव प्रदीप्त महांति मोहन नायडू प्रताप चिन्नरा जितेन्द्रिय बेहरा मनोरंजन महाराणा टुना नायक विभूति राउतराय ज्योति प्रकाश नायक नवीन महाराणा पवित्र ओझा गोविंद नायक बालकृष्ण बेहरा अमरेन्द्र नंद पूर्ण मुदुली मुन्ना बारिक सुशांत महाराणा जम्बेश्वर ओझा प्रमुख यही बंद रे सामिल होइथिले जो कृषि आंदोलन कृषक मैंने करोड़ दिन में पूरण है चारिमास आज पूरण से उद्देश्य से भारत बंद डाकरा चारिमास नरेन्द्र मोदी तीन टा कला कृषि आईन प्रत्याहार करार नाराज एवं एड़े अहंकारी मोदी एक एक छत्रवादी मोदी बर्तमान तीन टाक कला कृषि आईन की कहीं से नौना आम आश्चर्य हो सब बड़ दुर्भाग्य कथा होन जाक कला कृषि आईन में जो अच्छी ता अत्यावश्यक सामग्री आईन संशोधन होगला प्रत्येक जिनसपत दर बढ़ पेट्रोल डीजेल दर बढ़ी रंधन ग्यास दर 400 टका रु 520 टका होगला देखिए विशेषकर श्रम आईन बदल देला आ श्रमिक माने दाबी कौन सी मत अधिकार जाहिर करेंगे ना ये समस्त क्षेत्र देखा जाइछि देशर संपद को सागमास दर में बिकवे और बड़ बड़ कोटिपति व्यवसायी गोष्ठी मान टिकस छाड़ करेंगे और लोक मान टिकस लगे देखिए सारा भारत बर्ष डाली तेल पिज ठू आरंभ कर लुण तेल खाइवा तेल पर्यंत पेट्रोल डीजेल पर्यटन सब क्षेत्र में टिकस वृद्धि होती है टिकस नहीं कि देश चलेंगे कि बड़ बड़ कोटिपति टिकस छाड़े तेनाली आज तीन टाक कला कृषि आईन और दर वृद्धि पेट्रोल डीजेल लंदन ग्यास दर वृद्धि विरुद्ध में जो आवाज उठी या विरुद्ध में आसंता दिन में निश्चित भाव में भारत बर्ष खाऊटी और चाषी श्रमिक मेहनती मनुष्य निश्चित भाव एकजुट हे और विरुद्ध में लड़े जारी रखे निश्चित भाव आप देखिए सारा
সারা ভারতবর্ষ সকাল দেখলু না আমি সবুড়ে প্রভাব পকাইছে, জীবন প্রভাব পকাইব, পরিসরের মধ্যে দোকান বাজার বন্ধ আছে, অফিস কচেরি প্রায় বন্ধ আছে, এবং এই বন্ধর প্রভাবটা যত স্বতমত যদি তৈরি হচ্ছে জানিবে যে দেশের নীতি বিরুদ্ধে যে নীতি আপনাইছে নরেন্দ্র মোদি, দেশ জনবিরোধী নীতি বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠিছে, নিশ্চিত ভাবে আগামী দিনে আহুরি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হব। আভিমুখ্য হচ্ছে, দাবি হচ্ছে সরকার যে তিনোটি কলা কৃষি আইন আনিছন্তি পার্লামেন্টে বিনা আলোচনার তাকে পারিত করছেন, আম্বানি আদানির স্বার্থক সুরক্ষা করছেন, তাকে তুরন্ত প্রত্যাহার করন্তু, সর্বনিম্ন চাষ পাই সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য পাই আইন আনন্তু, এবং যেভাবে ভাবে দর দাম বড়ুচি, পেট্রোল ডিজেল রন্ধন গ্যাস খাইবা তেল চাউল ডালি ইয়ার যেভাবে ভাবে রেট বড়ুচি, আপন মানে সমস্তে ভুক্তভোগী, আমি চাহুছু সরকার তুরন্ত প্রত্যাহার করন্তু। রাবণ রাজ্যরে কম টঙ্কার মিলুচি পেট্রোল ডিজেল, সীতাঙ্গ রাজ্য নেপালরে কম টঙ্কার মিলুচি পেট্রোল ডিজেল, অথচ রামঙ্ক রাজ্য বলি আমি কহুছু, আম রাজ্যরে 100 টঙ্কা পেট্রোল ডিজেল হেলানি, আমি তাকে তুরন্ত প্রত্যাহার করিবা পাই দাবি করুছু। সেইথিপাই আজি ভারত বন্ধ আন্দোলন, আমি আশা করুছু লোকে এই আন্দোলনকু জোরদার ভাবে সফল করবে, নিশ্চিত প্রভাব পকাইব। আপন মানে দেখুছন্তি 10টা পাখাপাখি হেলানি রাজরাস্তা দাণ্ড শুনশান, লোকে লোকঙ্কু বাধুছি দর বৃদ্ধি, লোকে এই আন্দোলনকু নিশ্চিত সমর্থন করিবে। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୋଦୟ ମେଳା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଶତବାର୍ଷିକୀ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 35 ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନଙ୍କ ସମେତ ସେବାୟତ ଏବଂ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନୀ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତିପୀଠଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାପୁ ତୁମେ ମନେ ପଡ଼ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କୁମାର ସିଂ, ସ୍ତମ୍ଭକାର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପରିଡ଼ା, ମଳୟ ମିଶ୍ର, ରାଧାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଉମାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର, ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ହରପ୍ରିୟା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ମାନବିକତା ହଜିଯାଇଛି, ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିତର୍କ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ତିନି ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ପୁରା ଚାଲିଲାଣି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଉପରେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ତ ଆମେ ଦେଖିନେ, ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ଆଉ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ତାକୁ ଜମା ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଯେତେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଦଳସ୍ତରକୁ ଯୁବପିଢ଼ିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଏ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କେମିତି ସଫଳ ସାଧନ କରିଥିଲେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନଟା କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସମାଜ ସୁଧୁରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ପୁରା ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ନିଶା ତାକୁ କବଳିତ କରିସାରିଲେଣି,
मोर अनुरोध अच्छी समाज सजाड़े अच्छी दर्शन टाइम पढ़ु पिला खाली जे भल पाठ पढ़े आजकल बापा माँ चाहते मो पाला खाली भल पाठ पढ़े भल मनीष हो बोली बापा माँ मैक्सीम पे आम कहीं देखू समाज मो पाटा कहीं भल पाठ पढ़े सी निशा खाऊ मद खाऊ जहाँ कर ना से ठीक नुह आम पाटा कहीं भल मनीष हम से बड़ कथा अच्छे भल मनीष हेल्ले देखिए से ऑटोमेटिक तक चाकरी मिले भल पाठ पढ़ जी भल मनीष हम से निश्चित भल पाठ पढ़ तेणु आज हूँ आम पूरीवासी गोटे गर्व गौरवर दिन गौरवर विषय जे आज दिन में 1921 मसीहा मार्च 26 तारीख में गांधीजी पूरी आसते और गांधीजी सह धर्मपत्री कस्तूरबा थे ताला गांधीजी प्रथम पूरी गस्त और दिन गांधीजी जगन्नाथ मंदिर को जाकि महाप्रभु दर्शन करते तेणु जेहेतु गांधीजी पूरी आगमन 100 वर्ष आज पूरी तेणु आम शतवार्षिकी पालन करुच्छ और आज सका रेल स्टेशन गांधी स्मारक पदयात्रा आरंभ होता एटी गांधी तुम्हें मन पड़ा आलोचना चक्र चली पुरी सहर 42 सांबादिक सांस्कृतिक संगठन सब राजनैतिक दल आज कार्यक्रम आम सामिल होती आज राति पर्यटन कार्यक्रम चलो और बर्षे तमाम गांधी शतवार्षिकी चल देखूँ जेहेतु महात्मा गांधी पूरी आगमन ओडिशा आगमन शतवार्षिकी पालन हो पुरी में महात्मा गांधी नाँ किसी मार्ग ना तेणु आम जिलापा गोटे प्रस्ताव देखे पूरी भिआईपी रोड महात्मा गांधी मार्ग करने पूरी जिलापा सुपारिश कर राज्य सरकार और राज्य सरकार को विचाराधीन अच्छी आम आशा करूँ खूब शीघ्र पूरी भिआईपी रोड महात्मा गांधी मार्ग में परिणत हो 110 नंबर पिपिली विधानसभा आसन पर नामांकन पत्र आरंभ हुई बीजेपी प्रार्थी भावे जिला सभापति आश्रित पटनायक रिटर्निंग ऑफिसर को निकट में नामांकन पत्र दाखल करछन्ती बहु नेता और दलीय समर्थकों सह विराट शोभायात्रा रे आश्रित आसी रिटर्निंग ऑफिसर तथा अतिरिक्त जिलापाल निकट में प्रार्थी पत्र दाखल करछन्ती बीजेपी नेता भृगु बक्सीपात्र राज्य सभापति समीर महांती पूरी विधायक ब्रह्मगिरी विधायक आदि बीजेपी बहु वरिष्ठ नेतृवृंद उपस्थित रे आश्रित नामांकन पत्र दाखल करे चलित थर बीजेपी बाजीमात करिबो कारण गत थर बीजेपी खूब कम भोट रे पराजय बरण करिथिबारु एथर गड़ दखल करिबो बोली आश्रित कहिछन्ति भारतीय जनता पार्टी तरफ पिपिली डेलांग निर्वाचन मंडल आज नामांकन पत्र दाखल कलु आम दुई विधायक जिलार एवं राज्य सभापति समस्त नेतृमंडल मोर बड़ भणी सुरमापा प्रभाती अपा एवं राज्यर समस्त नेतृमंडल सहित आज नामांकन दाखल करिछु आशा विश्वास निश्चित भाव में अनुभव करेंगे जो भाई भाव में भारतीय जनता पार्टी की डेलांग पिपिल निर्वाचन मंडल जो जो कुशासन चली 35 वर्ष काल दुईट राजनैतिक दल पारंपरिक प्रतिनिधि हो जो भाई भाव में 35 वर्ष काल डेलांग पिपिली अंचल अराजकता सृष्टि करते तार परिसमाप्ति आगामी दिन में घटव डेलांग पिपिल निर्वाचन मंडल गोटे इतिहास रच जनसाधारण आशा विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी उपरे एवं विगत 35 वर्ष बनाम 35 मास आशा विश्वास रखिंट डेलांग पिपिल जनसाधारण निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन जीत मुद्दा तो जनसाधारण मुद्दा खोजिले आपन को इन अधघंटे लगे कहना शिक्षा स्वास्थ्य टू आरंभ कर मुद्दा है निरीह गरीब जनसाधारण जो हक जो हक पाइबा योग्य दरकार से हक को आम निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी गरीब निरीह लोक पहुँचेब निरीह निष्पेषित जनसाधारण को हक दब न्याय दब लोक मानू दादागिरी गुंडागिरी समाप्ति घटव एवं डेलांग पिपिल जनसाधारण समस्ते मिसी भाईचारा आगामी दिन में डेलांग पिपिल आगे देखो सरकारी दल भोटर जहाँ निष्पत्ति ने आपण मैने मे 2 तारिख देखिए निश्चित भाव में
जिते मंत्री आसतु जार प्रमाण नुआ शासन उपनिर्वाचन आपण मान देखी मुख्यमंत्री पैकेज घोषणा पर भी 24 तारीख नुआ शासन जनसाधारण विजु जनता दल विरुद्ध कुशासन विरुद्ध मत सब्यस्त कर देखिए डेलांग पिपिल जनसाधारण कुशासन विरुद्ध मत सब्यस्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी को बहु भोट्रे विजय कर पिपिली साधारण जनता कोठी ना कोठी ये गुंडागर्दी हिंसा आ भितर निजुक लुचे रखापे चाहूला 20 वर्ष पर आज पिपिली डेलांग निर्वाचन मंडलवासी मतदान करेंगे कौन सी भय ना कौन सी भीति ना शांतिप्रिय पिपिली डेलांगवासी मत रखा पिपिली उपनिर्वाचन गोटे मुद्दा हूँ विकास 20 वर्ष धरी आप देखिए आपणकर भुवनेश्वर में वर्षा हेले से जमाट बांधे पिपिली रे किंतु आज पर्यंत पिपिली रे जल निष्कासन हो पारा ना आज पर्यंत पिपिली रे पीवा पानी 20 वर्ष शासन में रहीकि गोटे सरकार पीवा पानी व्यवस्था हो पारा ना जो कथा आप देखी फनी समय नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जो कल्याणकारी योजन 95,000 टंका लेखा हिताधिकारी मानों पर गरीब लोक आसला से पैसा दलय भित्ति नेता माने बांटी देले बर्तमान आर उत्तर रखा पिपिली एवं डेलांग निर्वाचन मंडलवासी आज अंतर दी समय छोट विरतिर विरति पर आम खबर जारी रहे पुरीर एकमात्र स्वीकृतिप्राप्त सिंगर ओ मेरिट सिलाई मेसीन कंपानी अथराइज डिलर एवं उषा कंपानी क्षमताप्राप्त विक्रेता सिटी सप्लाई एजेन्सी एठारे सिलाई मेसीन एवं होम एप्लायंस बिक्री सहित सिलाई मेसीन मरामतिर सुविधा उपलब्ध सिलाई मेसीन किणवा पूर्व कंपानी प्रदत्त अथराइज सर्टिफिकेट देखि किणंतु आउ डेरी काहेकि घर को नहीं जातु सिंगर सिलाई मेसीन जोगाजोग सिटी सप्लाई एजेंसी श्रीमंदिर निकटस्थ दोलमंडप साही पुरी मोबाइल 9040114867 सहरर चर्चित खबर को नहीं स्वतंत्र साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चारे आम सहर केवल आपण प्रिय आईना टीवी प्रत्येक शनिवार संध्या 8:30 पुनः प्रसारण रविवार संध्या 8:30 डीएम पब्लिक स्कूल एससीबीएसई पार्ट एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन प्री नर्सरी नर्सरी एलकेजी यूकेजी एंड स्टैंडर्ड 1 फैसिलिटीज इंडिविजुअल मेंटोरिंग एयर कंडीशन क्लासरूम्स सीसीटीवी सर्विलांस लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज इंडोर गेम्स आर्ट क्राफ्ट एंड डांस क्लासेस योगा क्लास एंड हेल्थ चेकअप फ्लैट नंबर 390/391 ग्राउंड फ्लोर ऑफ बीजू पटनायक कंप्यूटर एकेडमी एसएस कॉलेज बैक गेट ओल्ड सदर थाना स्क्वायर फुरी 1 कॉन्टैक्ट नंबर 8339012220 9938702859 ସହରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଆଇନା କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲ୍ କେବଳ ଆଇନା ଟିଭିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ରବିବାର ରାତି 10:30 रेमंड भीमल मयूरी नामी देवी कंपनी का शूटिंग सेटिंग जीन सूट शेरवानी ब्लेजर टी शर्ट लेडीज किड सह विभिन्न कंपनी का क्लॉथ और रेडीमेड ड्रेस उपलब्ध
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭେରାଇଟିର ବେଡସିଟ୍, କ୍ଲଥ, ସାର୍ଟ, ଲେଡିଜ୍ ୱେର୍ ସହ ପରଫ୍ୟୁମ୍, ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ଲେଡିଜ୍ ଏବଂ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ 50% ରିହାତି। ମୋ ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ। ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। ମୋବାଇଲ 9861100131। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବାଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଗୁରୁବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା କହିଲେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ମତଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜାରି କରିଥିବା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ମତଦାନ ସମୟରେ କୋଭିଡ କଟକଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଲୋକ ମତଦାନ କରିବେ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାନିଟାଇଜର ରଖାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶର୍ମା, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତିରଞ୍ଜନ ସେନ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କର ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଜେତା ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୁରୀବାସୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଅଣ ଫିଚର ବର୍ଗରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଜାତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ, କଳା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି। ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକତାର ଯୁଗରେ ପୁରୀର ଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ଆକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ସାଇପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ବିବେକ ନନ୍ଦ, ବିରଜା ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦାସ, ବିକାଶ ରାଜୁ, ଅଭିଜିତ ଦଳବେହେରା, କିଷାନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭାରପଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କୁମ୍ଭାରପଡା ଏସ୍ଆଇ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପଣ୍ଡା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶିବ ନାୟକ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ 6.3 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହ 1500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରି କୁମ୍ଭାରପଡା ଥାନା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 90/21 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ତଳଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନଈକୂଳ ସାହିରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ମାରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଡି ଦେଇ ବାକି ଅଂଶକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜମିରେ ନାବାଳିକାର ଶବକୁ ପୋଡାଯାଇଛି ଉକ୍ତ ଜମିର ମାଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ନାବାଳିକା ଜଣକ ତଳଜଙ୍ଗ ଡିହସାହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗତ 1 ମାସ ପୂର୍ବେ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକା ଜଣକ ପ୍ରେମିକ ସହ କୁଆଡେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ନାବାଳିକା ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା।
22 तारिखरे एही घटना को नै तांको परिवार नाबालिका को मारी एभली कांड घटाई थिबा जणा पडछि। अबकारी थाना अधिकारी प्रकाश कुमार साहू को नेतृत्व रे बिजुपुर छकठरे चढ़ाउ करा जैतिला। इच्छा कारोबार अभियोग रे दुई जन अभियुक्त को गिरफ करी आज कोर्ट चलन करा जैछि। गिरफ अभियुक्त माने हेले नयगढ़ जिला ओडोगा सरधापुर छवि पात्र और सदर थाना अंतर्गत कपिलेश्वरपुर द्वितीय सहर कान्हा प्रधान। सेमानंगठारु अबकारी पुलिस 12 धौला जरी बस्तारे 360 केजी भांग जब्त करिछि। केस नंबर 45/21 रे एक मामला रुजु करी आज अभियुक्त मानंकु कोर्ट चलन करा जैछि। समुद्र रे स्नान करथिबा समय रे गफिर समुद्र भितर को बुडी जैथिबा 6 जण पर्यटक लाइफगार्ड को द्वारा उद्धार होइछती। खबर नेबारे जणा पडछि जे पश्चिम बंग रो 24 वर्षीय एमडी एसी राजू, राकेश सेन 30 वर्षीय संदीप राय, 16 वर्षीय अनिमेश खोले और ओडिसा रो 27 वर्षीय सुमन साहू और 17 वर्षीय कालिंदी नायक परिवार सह पूरी बुलिबा को आसी समुद्र रे स्नान करथिले। स्नान करबा समय रे 6 जण जक पर्यटक गभीर समुद्र भीतर को चली जाइथिले। सेठारे मुतयन थिबा लाइफगार्ड ट्यूब सहाय्य रे 6 जण लोक को उद्धार करथिले। एथरा सुनु जानिबा शिव मंदिर संपर्कीय सूचना। शुक्रवार सकाळ 6:35 रे श्रीमंदिरर द्वार फिटा जाई भीतर सुध होइतिला 7:20 रे। 7:30 रे श्रीजीवमानकर मंगलारती होई मैलम होइतिला 7:40 रे। 8:05 रे तड़फलेगु होई अवकाश नीति संपन्न होइतिला 8:45 रे। 8:50 रे मैलम कराजाई रोसोम होइतिला 9:10 रे। 9:25 रे बेश शेष होई सूर्य पूजा होइतिला 9:40 रे। 9:55 रे द्वारपाल पूजा होई गोपालवल्लभ नीति संपन्न होइतिला 10:20 रे। 12:05 रे सकाळ धूप संपन्न होई मैलम होइतिला 12:30 रे। 2:10 रे भोगमंडप पूजा उठी मध्यान धूप संपन्न होइतिला 3:30 रे। 5:00 रे द्वितीय भोगमंडप पूजा होई मैलम होइतिला 5:30 रे। 5:45 रे मेकअप सर्वांग होई चाचेरी बेश संपन्न होइतिला 6:40 रे। एति उतरे श्रीमंदिरर अन्यान रीतिनीति सुचारूपे संपन्न होइतिबा श्रीमंदिर कार्यालय सूत्रहु जणा पडिछि। आज 2,79,071 टंका श्रीमंदिर हुंडीरु आय होइथिबा श्रीमंदिर कार्यालय सूत्ररु प्रकाश। चलंतु नजर पकाइबा आजर पानी पाग उपरे। आजर पानी पाग आज पुरी एवं यहार आखपाख अंचल पाग मुख्यतः शुखिला रही। समय मध्य पुरीर सर्वोच्च तापमात्रा 32 डिग्री सेल्सियस और सर्वनिम्न तापमात्रा 27 डिग्री सेल्सियस थिबा बेले आर्द्रता 82% थिबा जणा पडिछि। समय जी कार्यक्रम को एक रखिबार किंतु ता पूर्वरु आसंतु पुरी थरे देखिनबा हमर मुख्य खबर। आजर मुख्यांशरे तैल रंधन गैस दर वृद्धि और कृषि आईन बातिल दाबी रे पुरी रे भारत बंद डाकरा सरकारी कार्यालय स्कूल कॉलेज और बैंक कारोबार ठप। गांधीजी को पुरी आगमन शतवार्षिकी पालित विभिन्न कार्यक्रम रे सामिल हेले सबु वर्गर व्यक्ति विशेष। आगको पिपिली उपनिर्वाचन प्रथम दिवस रे प्रार्थीपत्र दाखल कले बीजेपी प्रार्थी आशीष। আজি পাই আইনা কার্যক্রম কো আমি এই রাখুছু। আসন্তা কালে ঠিক এই সময় ও এই চ্যানেলে আপন মানে আম কার্যক্রম দেখি পাইবে। তেবে আজি তো সময় হই যাইছি আম কার্যক্রম কো এই রাখুছু। নমস্কার। যোগাযোগ ঠিকানা আইনা টিভি মারফত মিডিয়া হাউস মাউসমা মন্দির নিকট বড় দাণ্ড পুরী। মোবাইল নম্বর 9438579173 9861472722